हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बीके टेक रोहतक में आपका स्वागत है। तो आज आपको बताएंगे जो नई गाड़ी टीवीएस की लॉन्च हुई है, टीवीएस रेडर, इसके अंदर जो मीटर के अंदर जो फीचर्स हैं उसके बारे में बताऊंगा आज आपको। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। टेक्निकली भी आपको बात बताऊंगा, अदरवाइज गाड़ी तो आपने सबने देख ही ली होगी, काफी सारे यूट्यूब पे लोगों ने बना रखी है इसके बारे में। तो आज आपको मैं इसके मीटर के फंक्शन के बारे में बताता हूं आपको। जैसे ही आप की ऑन करोगे ये डिस्प्ले आपको दिखती है। इसके अंदर क्या है कि एक दो बटन दे रखे हैं, ये वाला तो है मोड बटन, ये वाला है सेट बटन, ये मोड और ये सेट। और इसके बाद आपको ये दिखाते हैं आरपीएम वाला सिंबल, ये देखो ये 4000 आरपीएम, 2000 आरपीएम, ये आरपीएम का मीटर दिखाता है। उसके बाद ये न्यूट्रल दिखा रहा है, इसमें गियर दिखाएगा कि गाड़ी कौन से गियर में चल रही है। जैसे कि मैं इसको स्टैंड पे लगा के भी गियर चेंज करता हूं, ये देखिएगा, तो ये गियर चेंज हो गया इसका, ये वापस न्यूट्रल में आ गई है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको लगा के दिखाता हूं, तो ये गियर आपको दिखाएगा। वैसे ये पीडीआई की गाड़ी है, इसमें क्या अभी सेंसर अटैच किया नहीं हुआ है, इस वजह से नहीं दिखा रहा ये। और अब आपको बताऊंगा कि ये रेंज कितनी, इसमें क्या क्या मीटर फंक्शन है सिंबल को लेके। देखो ये तो MIL लैंप दिया हुआ है, जैसे जुपिटर के अंदर सब BS6 गाड़ी में होगा कि अगर कंटिन्यूसली चलता है इट मींस गाड़ी में कोई दिक्कत है। अगर चलने के बाद, एक बार स्टार्ट होने के बाद ये बंद हो जाता है तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपको इको और पावर का बटन दिया हुआ है, लाइट दी हुई है, ये इको और पावर मोड के बारे में बताएगा और यह फ्यूल के बारे में दिखाएगा कितना फ्यूल इसमें है। ये 4 डंडे फ्यूल के दिए हुए हैं इसके अंदर, ये लो बिल्कुल, जब एक डंडा रह जाएगा रेड कलर का जिस पे आ जाएगा ये, तो ये चालू हो जाएगा लो फ्यूल इंडिकेटर। और ये आपको यहां बताएगा स्पीड, ये टाइम है और ये गियर मैंने बता दिया। उसके बाद आती थी ट्रिप के ऊपर, पहले इसको स्पेस करोगे ट्रिप 1A आएगा। ट्रिप 1, ट्रिप का मतलब होता है आपने मान ले कहीं जाना है, कहीं से स्टार्ट करना है, आपने मापने गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी, तो ट्रिप 1 इसको सेट कर सकते हो। उसके बाद ऐसा ही है ट्रिप 2, ये आपको दिखा देगा कितने किलोमीटर, और ये मेन ओडोमीटर तो है ही। उसके बाद ये फंक्शन देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं रेंज। रेंज का मतलब है कि ये जो गाड़ी है जो इसमें पेट्रोल है, मान लो इसके अंदर 10 लीटर पेट्रोल पड़ा है, 8 लीटर मान के चलो 8 लीटर पेट्रोल पड़ा है, तो इसके अंदर रेंज दिखा देगा। रेंज का मतलब तो जो इसके अंदर पेट्रोल पड़ा है कितने किलोमीटर ये गाड़ी चल सकती है। तो गाइस बहुत बढ़िया फीचर है इसके अंदर ये कि जो तेल बचा हुआ उसमें कितने किलोमीटर चल सकती है गाड़ी, ये आपको रेंज का ऑप्शन है इसके अंदर दिखाएगा। ये गाड़ी पीडीआई की नई गाड़ी, इस वजह से नहीं दिखा रहा ये। उसके बाद आप दिखाओगे, दबाओगे मोड का बटन तो आ जाएगा एवरेज। इस गाड़ी के अंदर ये बताएगा कि एवरेज कितने की आ रही है, वो एक्यूरेट आपको पता चलेगा 10 से 15 किलोमीटर चलने के बाद नई गाड़ी के। उसके बाद यहां पे दिखा देगा आपकी माइलेज, कितने लीटर की माइलेज दे रही है। बाकी ये बता रही है ट्रिप और ओडोमीटर की रीडिंग है। और एक और फंक्शन है इसमें, ये किल स्विच दिया हुआ है। किल स्विच नहीं, एक्चुअली क्या है ये पावर और इको का बटन है। जो इको है ये देखो, ये करोगे इको में चले आओगे तो ये गाड़ी आपकी जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक। और जैसे आप इसको पावर में करोगे ऊपर की तरफ तो ये गाड़ी जाएगी 90 से अबोव 95 100 110। अभी जो इसकी टॉप स्पीड है वो 118 की है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और फीचर्स के बारे में इसके। ये स्पेसिफिकली मीटर के फंक्शन के बारे में था। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।